हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल सुबह 8 बजे करीब एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। उस वीडियो में बिहार एसएससी के द्वारा जो टाइपिंग शॉर्टलिस्ट नहीं जारी किया जा रहा है या फिर कोई नोटिस वेबसाइट पर अभी तक कोई जारी नहीं किया गया है, उससे लेकर मैं वीडियो बनाया था। दोस्तों, सुबह 8 बजे मैंने अपलोड कर दिया था और दोपहर का समय मैंने देखा भी था कि कितना व्यू गया है। उस समय 1 से 1.5 बजे करीब 1200 व्यू चले गए थे, जो कि अच्छा खासा व्यू है। बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स किया था, स्टूडेंट पसंद कर रहे थे उस वीडियो को। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 बजे मैंने सोचा कि कोई स्टूडेंट क्या कमेंट कर रहा है, चलिए उस कमेंट को पढ़ा जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि YouTube का जो गैलरी होता है, YouTube गैलरी में मेरा टॉप पर वीडियो है ही नहीं है। तो मैं बहुत ही घबरा गया कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो कोई बड़ा मुद्दा पर वीडियो नहीं था। मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि जो टाइपिंग का शॉर्ट लिस्ट देरी हो रहा है उसको जारी कर दीजिए, भले ही टाइपिंग आप बाद में लीजिएगा, पर अभी स्टूडेंट के बीच में बहुत सारी बेचैनी हो रही है, जारी कर दीजिएगा तो अच्छी बात रहेगा, संतुष्ट हो जाएंगे और टाइपिंग भी और अच्छे से कर सकेंगे। तो दोस्तों, जब वीडियो अपलोड दिखा नहीं रहा था तो मैं क्या किया, कुछ और भी यूट्यूबर्स थे उनसे मैंने पूछा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर मेरा वीडियो यूट्यूब कैसे डिलीट हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि तुमने ज़रूर कोई गलत मुद्दा उठा लिया होगा। तो मैंने बोला कि कोई गलत मुद्दा तो उठाया है नहीं, ये मुद्दा सारे यूट्यूबर्स उठाते हैं, मैं भी उठाता हूँ कि टाइपिंग शॉर्टलिस्ट जारी कर दीजिए, इसमें गलत मुद्दा क्या है, इसमें गलत मुद्दा क्या है, 7 साल हो चुके हैं तो मुद्दा इसमें गलत है नहीं। तो बस इसी के लिए का वीडियो डिलीट कर दिया गया, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है। दोस्तों, आप लोग सोचते हैं कि बहुत ही आसानी से ये वीडियो बन जाता होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एक यूट्यूब को बनाने के लिए सोचना पड़ता है, कॉन्टेंट को ढूंढना पड़ता है, और उसके बाद आप लोग जैसे कोई रिजल्ट आ गया या फिर कोई नोटिस आ गया तो हम लोग जहाँ भी रहते हैं तुरंत आते हैं रूम में आने के बाद उस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग सोचते हैं कि आप लोग के पास न्यूज़ को पहुंचाया जाए, और ऐसे में अगर वीडियो डिलीट कर दिया जाए, वो भी 1100-1200 व्यू है, जो कि अच्छा खासा व्यू होता है, मात्र 6 या 7 घंटा में उतना व्यू आया था, उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो उसके लिए दोस्तों मैं बहुत ही अपसेट हूँ दोस्तों, आपसे मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, अगर मुद्दा उठाने से अगर इस तरह से वीडियो डिलीट होगा तो दोस्तों ये कैसे हो सकता है, ये गलत लग रहा है मेरे द्वारा, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। दोस्तों, आपकी क्या राय है, क्या विचार है इस पर, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आखिर मेरा वीडियो इस तरह से डिलीट कैसे हुआ यूट्यूब से। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद।